हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज हम लोग भेड़िया मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दो दिन में ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाई और ये मूवी सक्सेस हो पाएगी कि नहीं, इसी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा। मूवी रिव्यू हो, रिएक्शन हो, ए टू जेड आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। नई मूवी का अपडेट ए टू जेड यहाँ पे मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। भेड़िया मूवी एक अच्छी खासी मूवी है, एक नया स्टोरी है, एक नया कगार पे ये मूवी जा रही है। देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जो इसमें जो यूनिवर्स का जो साथ में जो बताया गया है, परफेक्ट बताया गया है। लास्ट में किस हिसाब से लोग साथ में मिलाए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा है। ये एक डाउट था कि हाँ, उनका दोस्त जो है वरुण धवन का, वो स्त्री में भी थे और भी मूवी में थे, तो वो कैसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है लोग लास्ट में। तो ये मूवी एक ओरिजिनल है और इस मूवी को सपोर्ट करना मांगता है, क्योंकि जो मूवी अच्छी है थोड़ा बहुत कमियाँ है उसको सॉल्व हो सकता है, लेकिन अच्छी मूवी का सपोर्ट करेंगे तो मूवी और भी आगे चल के वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो हीरो वैसा मूवी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वही हम लोग रीमेक कहीं पीछे पड़े रहेंगे तो नहीं आएगी अच्छी मूवी कभी भी। तो भेड़िया मूवी बहुत ही मस्त है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा तरीके से मूवी को बनाया गया है। मूवी का ज़्यादा बजट नहीं है तो उतनी बड़ी बीएफएक्स का बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा बीएफएक्स होना चाहिए था, बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट होना चाहिए था, एक बहुत ही अच्छा उसका ए टू जेड होना चाहिए था। फिर भी जो बजट है उसके हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छा है और इसका अगला जो पार्ट आएगा ना वो भी इससे भी बेहतर बनाने को लोग कोशिश करेंगे अगर ये मूवी चलती है तो। तो बात करें फ्राइडे का कलेक्शन, जो इंडिया का कलेक्शन था वो 7,48,00,000 का था। वही सैटरडे का बात करें, फ्राइडे का ही अगर वर्ल्ड वाइड का बात करें तो 12 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन आया हुआ था। अगर वही सैटरडे का बात करें तो आपको 9,57,00,000 का कलेक्शन किया हुआ है, यानी आपको फ्राइडे से लगभग 2 करोड़ ज़्यादा का कलेक्शन किया हुआ है सैटरडे को। सैटरडे का वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग आपको फ्राइडे सैटरडे मिलाकर 26.66 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है। टोटल अगर इंडिया का ही सिर्फ बात करें तो 17,05,00,000 का कलेक्शन किया हुआ है। तो ये कलेक्शन जो है ना इंडिया में सिर्फ 17 करोड़ से ऊपर चला गया है और नेट कलेक्शन में और ग्रोस कलेक्शन में थोड़ा बहुत कमियाँ रहती है, ऊपर नीचे रहता है। तो इंडिया में 2 दिन के अंदर अगर 17 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है। अगर 9 करोड़ सैटरडे का है तो संडे का दिन आपको 10 करोड़ से ऊपर ये मूवी जाएगी। तो टोटल लेकर लगभग 27 करोड़ सिर्फ इंडिया में लगभग हो सकती है संडे का, यानी आज का कलेक्शन का बात करें तो। तो मूवी ठीक है, मूवी अपने बजट रिकवर करने में या उससे आगे जाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि इसको ऑडियंस जा रहे हैं देखने के लिए। अब संडे के बाद में मंडे का बात करें तो मंडे का दिन किस हिसाब से होती है वो मालूम नहीं है। मंडे का ज़्यादा पब्लिक देखेंगे या नहीं देखेंगे, हालांकि मंडे का दिन जो है कमती आती है कलेक्शन, उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं बढ़ती है। तो इस हफ्ते में अगर ये मूवी और भी आगे जा सकती है, 40-45 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है तो ये मूवी तो सुपर डुपर हिट हो ही जाएगी। लेकिन इस मूवी का, भेड़िया का सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो है आपको दृश्यम 2 से बहुत ज़्यादा ही पब्लिक अटैच हो रहे हैं और दृश्यम 2 पब्लिक को पसंद भी आ रही है। 100 करोड़ से ऊपर का उसका कलेक्शन हो चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मीडिया का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। दृश्यम 2 भी अच्छी मूवी है, उसमें भी अजय देवगन सर का बहुत ही मस्त एक्टिंग है, लेकिन जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जुनून जैसा था, तो उसमें ये बताया भी गया है जुनून जैसा हो जाएंगे ऐसा बोल के, तो अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग ही मालूम है इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को ऑडियंस निकालेंगे से ऐसा ऐसा था पहले वैसा ही फिर इस मूवी को भी बनाया गया है। तो ऑलरेडी उस मूवी में ही बोल दिया गया है कि जो जुनून मूवी में हुआ था वैसे ही काट लेगा, तो वैसे ही हो जाएगा क्या, ऐसा बोल के बताया गया। लास्ट में जो ट्विस्ट है ना,
और बहुत ही कृति सनन का जो ट्विस्ट है बहुत ही मस्त लगा हुआ है। हालांकि सारे ऑडियंस तो लगभग देख ही चुके होंगे, तो ये कंसेप्ट जो है बहुत मस्त है। आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, ये मूवी देखिए, आप लोगों को लाजमी ये मूवी पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, मिलता रहेगा आप लोगों का अपडेट।